उस दिन हम खेत से लौट रहे थे तो अचानक एक गाड़ी आई। कौन सी गाड़ी? टाटा सुमो था। हाँ, टाटा सुमो था। अच्छा। और उनमें से एक आदमी हमसे पूछा कि तुम में से भूषण कौन है, तो मैंने बताया मैं ही भूषण। तो वो बोलने लगा कि वो फ्यूचर स्टील कंपनी का कोई एम्प्लॉई है और मुझसे बात करना चाहता है, ये बोल के मुझे साइड में लेके गए। और वहाँ पे जाके बातों बातों में बोलने लगा कि चार सालों से तुम्हारा बहुत नाटक देख चुका हूँ। तो मैंने भी बोल दिया 4 साल और 50 साल हम अपना ज़मीन कभी नहीं देंगे। तो ऐसे ही आसपास के गांव वाले भी आने लगे। और इतने में पाँच छः लोग वो गाड़ी से निकल आए और एक ने तो बंदूक निकाल के हम पे गोली चलाने लगी। और बस मेरे पे और विकास पे गोली लग गया। ये विकास कौन है? विकास मेरा भाई। अच्छा, और गोली कहाँ पे लगी? यहाँ पे। और मेरे भाई विकास के गोली छाती पे लगी है। एक जो पुलिस वाले है ना और एक कंपनी के भाड़े के गुंडे लोग, ये ना हमें बाहर जाने देते और ना बाहर से किसी को आने देते। 2 दिन तड़पा विकास, 2 दिन तरफ तरफ के मर गए। हम उसे अस्पताल भी नहीं ले पाए। लेकिन आप लोगों ने बाहर से किसी को ये सब बातें बताने की कोशिश वगैरह नहीं की? आए थे 2-3 पत्रकार, उनको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, मार के दफना दिया, इसी गांव में दफना दिया। आप कैसे लौटेंगे? अरे आप चिंता ना करो, ये इंटरव्यू तो मैं बाहर लेके ही जाऊंगा, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा, भरोसा रखो। ओए, उठ। शिमला सलाह आज इन चूतियों की गांडी मारते हैं। ये साले बाबू लोग ऊपर मस्त एसी वाले दफ्तर में बैठ के नोटें गिनेंगे, हम साला यहाँ पे भिखारी की तरह इनके जूते देखते रहेंगे। हेलो। हाँ अभिषेक शर्मा, वो फ्यूचर स्टील कंपनी वाले हो ना? हाँ जी, आपसे थोड़ी डील करनी थी। अरे नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, उस दिन के शूट आउट के बारे में कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज है मेरे पास। अरे क्या है शर्मा जी, एसपी कलेक्टर को आपने 5-5 करोड़ रुपए दिए, थोड़ा प्यार हम पे भी बरसा दीजिए। क्या बोला? 50 लाख? ये तो बहुत है, इतना डिमांड का पता नहीं था यार। अरे चूतिए, डिमांड तो हुआ है लेकिन उसके बदले कुछ और ही काम करने को बोला है। क्या? वो भूषण का मुंह बंद करवाना है। लेकिन एसपी से ऑर्डर है, कल सुबह 20 बटालियन फोर्स आने वाला है मस्त गोलियों के साथ गांव साफ करने के लिए। जो भी करना है आज ही करना है। अरे तो तेरा थोबड़ा बाद में देख, चल 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 जल्दी चल, हो गए अमीर बनने का मौका ना चला जाए, चल चल। भूषण जी। हाँ। अरे वो भूषण जी, थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बात करने थे। हाँ हाँ अभी आया अभी। अरे नहीं नहीं आप खाना खाइए, हम बाहर वेट करते हैं। अरे भूषण जी आप काम का इतने परेशान हो रहे हो, हम बाहर वेट करते हैं। चले। हाँ चलिए आइए भूषण जी।
बाद तुम्हें बड़ी परेशानी होने वाली है, घर में बड़ी शैतानी होने वाली है। घास पे खेलते खेलते मैं मिट्टी ना खा लूं, नजर मुझ पे रखना। सारा लेके दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 4 साल बाद पश्चिम बंगाल के हरिपाल वासियों ने अपना जमीन फ्यूचर स्टील कंपनी को हस्तांतरित करने का फैसला किया। ग्रामवासियों के इस फैसले पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके हरिपाल वासियों को बधाई दी और कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल के लिए भारत विश्व में एक अच्छा संकेत देगा। रेटिंग एजेंसी स्विप ने कहा कि भारत आर्थिक वृद्धि के मामले में 2020 तक विश्व की अग्रणी देश में आने का संभावना है। अभी खबर आईपीएल के टूर्नामेंट में रॉयल